Welcome class 7 to your English class. I'm your teacher Mr. Dheeraj Bhati, and as you know better, we are doing class 7 English, and in today's video we are going to start with chapter number 3. That is a poem beautifully written by the writer Mr. Robert Southey. Right, aaj in this video beta hum chapter number 3 jiska naam hai the scholar, theek hai, uske bare mein janne wale hain beta, jo ki poem hai, kavita hai, jisko Robert Southey, jo bahut jaane mane poet hai, उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसके बारे में लिखा है। तो आइए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं इस पोएम के बारे में जानने के लिए। आप जैसे देख पा रहे हैं बेटा, मैंने पूरी पोएम फर्स्ट के जो टू पैराग्राफ्स है, स्टार्टिंग टू पैराग्राफ्स, वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया ऑलरेडी, और आपके लिए बेटा हर एक वर्ड का मीनिंग भी लिख दिया है। तो जो ब्राउन है अगर आपको नजर आ रहा है, तो वो दीज आर द लाइंस ऑफ द पोएम, एंड विद ब्लू व्हाट एवर आई हैव रिटन, ब्लू से बेटा जो भी मैंने लिखा है वो उसके मीनिंग है उन शब्दों के। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, स्कॉलर, सबसे पहले बेटा जो वर्ड है स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है बेटा इट इज अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टडी और एन आर्ट। कि स्कॉलर बेसिकली बेटा वो कोई पर्सन होता है जिसके पास किसी भी आर्ट में, किसी भी कला में या किसी भी स्टडी में उसी चीज का बहुत ज्यादा ज्ञान हो, उसको बोलते हैं स्कॉलर। राइट, आइए इस पोएम में हम स्टार्ट करते हैं, हमने क्या क्या बताया। ओके, पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं वीडियो। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, माई डेज, डेज का मतलब होता है मेरा दिन या टाइम या समय। My days among the dead are past, के मतलब जो पोएट है रॉबर्ट साउथी है वो बताते हैं कि जो मेरे दिन है वो डेड, डेड का मतलब होता है पास्ट पोएट्स, मतलब जो रॉबर्ट साउथी से पहले के जो पोएट थे, पहले के जो कवि थे, उनके साथ उनका दिन पास्ट होता है, मतलब स्पेंड होता है। देन वो बोलते हैं कि मेरे जो दिन है, मेरा जो समय है, वो मेरे पुराने कवियों की किताबों को पढ़ के मेरा दिन बदल, मेरा दिन स्पेंड होता है। आगे बोलते हैं अराउंड मी आई बिहोल्ड, अराउंड मी मतलब मेरे चारों ओर या आसपास, अराउंड मी मतलब मेरे चारों ओर या मेरे आसपास, आई बिहोल्ड, बिहोल्ड मतलब होता है देखना, कि मेरे आसपास मैं देखता हूं, क्या देखता हूं, वेयर एवर दीज कैजुअल आईज आर कास्ट, वेयर ये बेटा अपोस्ट्रोफी आर ई है, मतलब होता है बेटा एवर, कि वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी, वेयर एवर दीज कैजुअल आईज, कैजुअल मतलब होता है बेटा सडन, आईज मतलब आंखें, आईज आर कास्ट, कास्ट मतलब होता है जाना, देखना, कि जहां मर्जी मेरी आंखें देखती हैं, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, माइटी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, माइंड्स का मतलब होता है दिमाग, या हम कह सकते हैं यहां पर हम दिमाग नहीं बोलेंगे, हार्ट बोलेंगे, क्योंकि जो पोएट है बेटा उन्होंने खूबसूरती से बताया इस चीज को, कि वो बोलते हैं कि द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, कि जो किस खूबसूरती से जो पुराने कवि थे उन्होंने अपने शब्दों को उन किताबों में उतार दिया, लिख दिया उन शब्दों को, तो उन्होंने अपना माइंड नहीं, अपना दिल से लिखा है। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है बेटा द वर्क डन बाय द पोएट्स, के जो पहले के पोएट्स थे उन्होंने जो काम करा है, उनको जब भी रॉबर्ट साउथी पढ़ते हैं उनका दिल खुश हो जाता है। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वो बोलते हैं कि मेरे कभी ना साथ छोड़ने वाले दोस्त वो हैं, कौन है, दे मतलब है बेटा द वर्क डन बाय द पोएट्स, के वो काम जो पुराने पोएट्स कर रहे हैं वो उनके सच्चे दोस्त हैं, वो उनके वो दोस्त हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। माय नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, मतलब मेरे जो कभी ना साथ छोड़ने वाले दोस्त वही हैं, कौन हैं, विद हुम आई कन्वर्स डे बाय डे, जिनके साथ मैं कन्वर्स, कन्वर्स मतलब होता है बातें करना, टू टॉक, विद हुम आई कन्वर्स डे बाय डे, कि जिनके साथ मैं हर दिन बातें करता हूं, डे बाय डे मतलब होता है ईच डे, कि जिसके साथ मैं हर दिन बातें करता हूं, With them I take delight in weal, कि जिनके साथ I take delight, delight मतलब होता है खुशी मिलती है मुझे, in weal कि जब मैं खुश होता हूँ उनको पढ़कर, मुझे उनको जानकर, उनकी रचनाओं को जानकर मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। And seek relief in woe, woe मतलब होता है difficult times, क्या होता है जब कठिन समय आता है उनकी ज़िंदगी में, relief, relief मतलब होता है बड़ा शांति, उनको secure feel होता है उन्हीं किताबों को पढ़ के जो पुराने poets ने लिख दी हैं। And while I understand and feel, कि जब मैं समझता हूँ, understand मतलब समझना, and feel, feel मतलब होता है महसूस करना, कि जब मैं समझता हूँ और मैं चीज महसूस करता हूँ क्या, how much to them I owe, कि मैं उनका कितना, कि उनका कितना बड़ा एहसान है मुझ पे, मैं कितना बड़ा, कितना ज्यादा आभारी हूँ, किनका, उन काम का या उन रचनाओं का जो पुराने पोएट्स ने लिखी है अपने शब्दों में, उतार दी है किताबों में। My cheeks have often been bedewed. Often मतलब होता है normally. Okay, bedewed का अगर हम मतलब देखते हैं, bedewed का मतलब है बेटा ये ना कह रहो, to get wet by tears. वो बोलते हैं कि उनके कामों को समझ कर, उनके कामों को सुन कर, जान कर, पढ़ कर,
उनके इतने मतलब जो रॉबर्ट साउथ हैं, हम बोलते हैं कि उनके काम को जानकर समझकर पहचानकर वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, या उनका जब कभी बुरा समय चल रहा होता है उनको जानकर बेटा वो इतना रिलीफ फील करते हैं कि कई कई बार वो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये वीडियो मतलब होता है टू गेट मेड बाय टीयर्स, कि जब किसी की चीक्स ये चीक्स मतलब होता है गाल, कि जब किसी के गाल आंखों से आंसू बहकर लाल हो जाते हैं। माय चीक्स हैव ऑफन बीन वीडियो, कि उनके जो गाल थे बेटा वो बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो उन किताबों को पढ़कर रो पड़ते हैं। विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, ओके टीयर्स मतलब आंसू, थॉटफुल मतलब सोचना, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है टू थैंकफुल, ओके राइट, मैं फिर से बता देता हूं, टीयर्स मतलब होता है आंसू, थॉटफुल मतलब होता है टू थिंक सोचना, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है बेटा थैंकफुल। ये वो ऐसा बहुत बार सोचते हैं कि उनका कि उन राइटर्स ने जिन्होंने बेटा उनसे पहले रचनाएं लिख दी, अपनी किताबें अपनी पोएम्स लिख दी, उनका कितना बड़ा एहसान है रॉबर्ट साउथी पे। देन आज की बेटा इस क्लास में हमने दो पैराग्राफ फिनिश कर ली है। दैट मींस हमने बेटा पैराग्राफ नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 2 माय थॉट्स विद द हेड, यहां से अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारी वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको बताया आपको क्लियर है। अगर इन केस नहीं क्लियर है नो प्रॉब्लम, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें लिखो एंड आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच, डू नोट डाउन द वर्ड मीनिंग्स दैट आई हैव गिवन टू यू एंड नोट देम डाउन इन योर नोटबुक्स एंड आई विल चेक योर नोटबुक्स। थैंक यू सो मच, डू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड डू लाइक द वीडियो सो दैट आई कैन गेट योर अपडेट्स राइट। एंड इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। Thank you so much. Take care. God bless you.